नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे सभी साथियों। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जब भी खासकर विशेष करके हमारी जो बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी ऑटो रिक्शा वगैरह में बैठते हैं आप, तो ये जरूर ध्यान दें कि कहीं आपके साड़ी का जो है किनारा टायर पे तो नहीं सट रहा है, या दुपट्टा वगैरह, चुन्नी वगैरह, या तो जो हमारी बहनें बुर्का पहनती हैं उनके लिए भी। तो आप सभी से गुजारिश करता हूं मैं कि प्लीज़ इस बात का बहुत ख्याल रखें। कई बार ऐसा हुआ है कि टायर में लपट कर जो है आपकी साड़ी और चुन्नी वगैरह से अब गिर गए हो और एक्सीडेंट हुआ है। सो प्लीज़ जितने भी हमारे देश की हमारी बहनें माताएं देख रही हैं, लड़कियां देख रही हैं, सभी से ये गुजारिश करता हूं कि जब भी बैठें ऑटो रिक्शा वगैरह में, और ये क्लिपिंग देखिएगा, मैं ये वीडियो आप पूरा देखिए, इस पर आपको बहुत बारीकी से गलतियाँ दिखाई देंगी और दुर्घटना की संभावना प्रबल हो जाती है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। मोटरसाइकिल में भी अगर पीछे बैठते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। मेरे ये थोड़ा सही देख लीजिएगा, सुनिए भाई साहब, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, इस पर ध्यान दिया कीजिए कि ये लपेट के उस पर टायर में ना जाए। बहुत ऐसी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, तो ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जब भी बैठो आप, बहुत बड़ी घटना होती हैं ऐसे में। कुछ ठीक है, बच्चा सो रहा है। चलो नहीं, ठीक है, बढ़िया है। ये चीज थोड़ा ध्यान देना है अपन को जी। नमस्ते माता राम जी, ये चीज ध्यान देना है कि अपन आप लोग भी ध्यान दीजिए, सवारी को बैठाते हैं ना तो उनकी साड़ी का ये किनारा वगैरह टायर के पास ना है। बोलते रहा कीजिए, बोलते रहा कीजिए। ये थोड़ा सा साड़ी पे ध्यान दीजिएगा, है ना, वो टायर पे ना आए बस। अपन कभी भी माता जी कभी भी अपन बैठते हैं तो ये ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये हमेशा, मतलब हमेशा के लिए, किसी भी के लिए भी, और बहुत धोखा होता है कभी कभी, है ना।